ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स हियर। मैथ्स में भाई साहब नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? ओके, नंबर सिस्टम भाई साहब क्या क्या होता है? नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स? कंटिन्यूइंग नंबर्स, ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4, ये आपके क्या हो गएंगे भाई साहब? दीज आर कंटिन्यूइंग नंबर्स। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? वी बेसिकली रिप्रेजेंट, और ये स्टार्ट होता है आपके 1 से, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो गया आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, अगर आपने 0 इंक्लूड किया तो ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है? तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स। द मोमेंट यू हैपन टू इंक्लूड अ 0, इट विल बिकम अ होल नंबर सेट, ठीक है? ये W हो जाएगा, ठीक है? दिस विल बिकम W, 0, 1, 2, 3। अगर -1, -2 ऐसे करेंगे हम तो ये हो गया इंटीजर्स, 0 बीच में और 1, 2, 3 इधर, और -1, -2, -3 ऐसा, ठीक है? सो दिस विल बिकम इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स हो गए आपके, जैसे 5/9, ये क्या हो जाएंगे आपके? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, एनीथिंग, ठीक है? दीज आर नोन एज न्यूमेरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर। तो आपका नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है बच्चा भाटी? रैशनल नंबर का फॉर्मेट होता है भाई साहब P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट रिकॉलिंग, इफ P इज एनी इंटीजर एंड Q इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन P/Q इज बेसिकली कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अगर P आपका कोई भी इंटीजर है और Q आपका नॉन जीरो होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया तो इट विल बिकम इनडिटर्मिनेट, यू विल नॉट बी एबल टू डिटर्मिन इट्स वैल्यू, ठीक है? ओके, जैसे 9/4 देखो 2.25, 11/3 देखो 3.666। इफ P इज एनी इंटीजर एंड Q इज नॉन जीरो इंटीजर, देन P/Q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, ठीक है? इस रैशनल नंबर को हम भाई साहब डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम इसको भाई साहब किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ फ्रैक्शन भी, ठीक है? सो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड होता हो, ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस समथिंग व्हिच बेसिकली एंड्स, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड नहीं होगा, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग मतलब क्या है? ये भाई साहब एंड नहीं हो रहा है, 6666666 चलता ही जाएगा, और रेकरिंग मतलब ये 6 आपका रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? 3.6 ऐसे बाहर लिख देते हैं, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो आपके रैशनल नंबर के दो टाइप्स हो गए, देखो एक हो गया आपका भाई साहब टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है? तीसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है? दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। सो डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेपिटेटिव होगा। अगर रेपिटेशन नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। पीपल आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है? देखो यहां पे आपके नंबर्स में अगर हम देखेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर्स में जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल बेसिकली फ्रैक्शन से ही आता है, ठीक है? तो डेसिमल में, अगर डेसिमल में आपका क्या हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है भाई साहब? रेकरिंग है, ठीक है? रेकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब रिपीटिंग, ठीक है? जैसे देखो यहां पे 3.666 ऐसा जा रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 बार लिख सकते हैं। अगर ऐसा है देखो 3.125 ऐसा जा रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 3.125, ये रिपीटिंग है, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं। दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है? भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नहीं खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नहीं खत्म होंगे, रेकरिंग या रिपीटिंग मतलब आपका भाई साहब रिपीटिंग होगा, ठीक है? क्लियर? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा भाई साहब? टर्मिनेटिंग में भाई खत्म ही हो गया ये, ठीक है? जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो यहां पे क्या हो गया भाई साहब? आपका टर्मिनेटिंग होगा तो खत्म ही हो गई बात भाई साहब, ठीक है? जैसे 3.72 खत्म, ठीक है? 3.815 या 4.623, ये सब टर्मिनेटिंग, ये तो रैशनल नंबर होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसका रिपीटिंग होना जरूरी है, तभी जाकर वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग, तभी जाकर वो रैशनल नंबर होगा। अगर
अगर नॉन टर्मिनेटिंग है भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड उसके साथ क्या है भाई साहब, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर, क्लियर है। जैसे समझो यहां पे 3.41236852143 7 ऐसा चलता जा रहा है भाई साहब, देखो यहां पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर जैसे रैंडमली आ रहे हैं, ठीक है, और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इरेशनल नंबर, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, कोई भी पाई नहीं, पाई इज अ रैशनल नंबर, पाई इज अ रैशनल नंबर, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। जैसे 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 अगर आप पाई देखोगे, पाई मतलब क्या होगा, 22/7, आई विल टेल यू व्हाई पाई इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 7 है यहां पे भाई साहब, 22 डिवाइड करो, 7 3 = 21, कितना आया बोलो, 10, 7 1 = 7, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, 7 4 = 28, कितना आ जाएगा बोलो, 7 2 = 14, कितना आ जाएगा बोलो, 7 8 = 56, 4 हो गया, 7 5 = 35, ठीक है, 5 हो गया, 7 7 = 49, फिर से देखो 1 आ गया, जैसे ये 1 आ गया मतलब ये 0 लगेगा, फिर से ये पूरा रिपीट होगा, मतलब 7 के बाद अभी क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, मतलब ये क्या हो रहा है, आपका रैशनल नंबर हो जा रहा है, रिपीटिंग पैटर्न हो जा रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3.142857 बार, ठीक है, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। तो पाई आपका रैशनल नंबर है, पाई इज बेसिकली अ रैशनल नंबर, ये भले ही नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जैसे रूट, जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, ये सारे के सारे भाई साहब इरेशनल होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी इरेशनल, ठीक है, हाँ सॉरी फोर नहीं, ठीक है, 2 3 5 7, ये सारे जितने भी होंगे, 6 भी, ठीक है, जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं उनका अगर आप रूट निकालने जाओगे, इट विल बी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होगा, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पे डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो 3.6 को हमने क्या लिख दिया बच्चा, 3.6 बार, यहां पे 4914 914, तो क्या लिखेंगे, 4.914 बार, ठीक है, रिपीटिंग है भाई साहब, 4.914 बार, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स, क्या ये एक रैशनल नंबर है, आई सो इज दिस अ रैशनल नंबर, क्यों, हाँ नहीं, देखो यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, ठीक है, सो व्हाई विल इट बी अ रैशनल नंबर पीपल, दिस इज हाउ मच, 0.048 बार, मतलब क्या होगा, 8888 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 0.048 बार आ गया, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रेकरिंग या रिपीटिंग है, जिसके वजह से ये रैशनल नंबर हो जाएगा, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, इज दिस अ रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग या रेकरिंग है, सो दिस विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। 2.066 नहीं रैशनल होगा भाई साहब, तुम लोग भूल रहे हो, टर्मिनेटिंग है ये, खत्म हो गया ये, 2.066 दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब सॉरी अपना दिस इज बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ ही साथ क्या है भाई साहब, रिपीटिंग है, तो इसलिए रैशनल नंबर है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग है, तो इसलिए रैशनल नंबर है। ये तो भाई साहब टर्मिनेटिंग ही हो गया, तो रैशनल नंबर होना ही होना है, ठीक है। 1 2 2 5 4 7 8 2 5 बोलो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है ये, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है, क्लियर है, दैट्स द रीजन इट इज इरेशनल। तो ये भाई साहब रैशनल नंबर नहीं होगा। 3.141592653 अगेन देखो यहां पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इरेशनल, दिस विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। 2.613530298 64 क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल ऑल्सो बी इरेशनल, ठीक है, ये रैशनल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस ये हो गया नॉन रिपीटिंग। 1.90
357415569 इरेशनल हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली इरेशनल, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ये बताओ भाई साहब रैशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिपीटिंग हो जाएगा ये, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। ऑल ऑफ दीज विल बी इरैशनल। आर वी क्लियर ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पीपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो ये हो गया रैशनल नंबर। दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। दिस इज टर्मिनेटिंग, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये हो गया आपका इरैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो नॉट अ रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉट अ रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉट अ रैशनल नंबर। दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर इसको आइडेंटिफाई कीजिए भाई साहब। मिस्टर दांगे, क्या होगा ये रैशनल नंबर या नॉन रैशनल नंबर? नहीं भाई साहब, यहां पे कुछ देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। 3.14 अपना नचिकेत बताओ, नॉट नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस ये नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। 2.613509864 रैशनल, ये रैशनल, ओके। व्हाई? बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। 1.903514155569 अब बताइए सक्षम, ये रैशनल। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग एज वेल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग एज वेल। These decimals are non-terminating and non-recurring, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, These are known as irrational numbers. जो भी rational number नहीं होगा वो by default क्या हो जाएगा, irrational number हो जाएगा। Are we clear to these things people? Numbers whose decimal form is what people are, non-terminating and non-recurring, are called irrational numbers, ठीक है। ऐसे सारे number जिनका decimal form भाई साहब non-terminating होगा and non-recurring भी होगा are known as irrational numbers, clear? ओके, लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज नॉट, जैसे मैंने आपको बोला जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, जब भी आप उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, वो चलता ही आएगा, और प्लस उसमें आपको नॉन रिपीटिंग पैटर्न दिखेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। सो ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स विल बी इरेशनल, ठीक है, वो इरेशनल होंगे, ठीक है। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, ये सारे आपके क्या हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। इन सब का देखो वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे ये चलता ही जाएगा, देखो, और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, ठीक है। रूट थ्री का देखो भाई साहब अभी भी चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट फाइव भाई साहब चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट सिक्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दीज डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, हेंस ऑल ऑफ देम विल बी इरेशनल नंबर्स। आर वी क्लियर, ठीक है। The square roots of numbers that are not perfect squares are irrational numbers, ठीक है। तो जितने भी ऐसे number होंगे जो perfect square नहीं होते हैं, any number which is not a perfect square, जब हम उसका square root निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, we will get irrational numbers. Are we clear to this one people? बहुत बढ़िया। Natural numbers आपके क्या हो गए भाई साहब, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ओके। होल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ओके। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। सो दीज आर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड से भी होता है, आई से भी होता है, आई एंड जेड बोथ आर एप्लीकेबल, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सक्षम साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉन अ नॉन जीरो इंटीजर। नीचे डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं हो सकता, वही एक रैशनल नंबर होगा। पी बाई क्यू फॉर्मेट वेयर क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, रैशनल नंबर इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है, ओके। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपका एक तो होना चाहिए रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होना चाहिए अगर डेसिमल है तो,
और अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है, क्लियर। ओके। इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली इरेशनल नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एज वेल, ठीक है। बोथ आर नोन एज रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के पार्ट है दोनों, इरेशनल और रैशनल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इरेशनल और रैशनल। एग्जाम्पल जैसे आप देखो 8/2, ठीक है, 8/2, अरे वाह कितना इंटेलिजेंट है, 4 आएगा, वाह, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना आ गया, 4, ठीक है। डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब डिविडेंड आपका क्या है यहां पे 8, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 2 इनटू कोशेंट दैट इज 4 प्लस रिमाइंडर दैट इज 0, ठीक है। डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बचपन से करते आ रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है, नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। ओके, सो 8 इज इक्वल टू 2 इनटू 4 प्लस 0, ठीक है। तो एग्जांपल टू जैसे 15/2 है तो क्या आ जाएगा, बोलो यहां पे हो जाएगा, आपको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू 2 इनटू 7 प्लस 1, लिख सकते हैं, बोलो 7 × 14 प्लस 1 15, ठीक है। डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर, ओके। सो ए इज इक्वल टू बी इनटू क्यू प्लस आर, समझ में आ रहा है ये, अभी हम इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, देखो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहां पे ए क्या हो गया आपका डिविडेंड, बी क्या हो गया आपका डिवाइजर, क्यू मतलब कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो किसी भी रैशनल नंबर को भाई साहब, ठीक है, किसी भी ऐसे कोई रैशनल नंबर है तो हमने पी बाई क्यू फॉर्मेट देखा ही है, ठीक है। तो अभी भाई साहब कर लो ए बाई बी, ये भी रैशनल नंबर ही होगा कि नहीं, दिस विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर प्रोवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपका a by b फॉर्मेट में होगा, अगर मैं a को डिवाइड कर रहा हूं b से तो a इज डिविडेंड b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जीरो हो सकता है, ठीक है, b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो रैशनल नंबर को डिफाइन करने का ये दूसरा तरीका हो गया। अब तक आप क्या कर रहे थे भाई साहब, रैशनल नंबर मतलब p by q, where p and q was integers and q is not equal to zero, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, a रैशनल नंबर इज a by b, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर ले लो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। ये r कुछ भी हो सकता है, देखो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। अच्छा एक और चीज समझो, समझो मैं यहां पे भाई साहब लेट्स से 11 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 × 2 = 6, क्या ये डिवीजन करेक्ट है, क्यों क्यों करेक्ट नहीं है, नहीं नहीं वो रीजन नहीं है, हाँ क्या बताइए रीजन क्या है, व्हाई इज इट इनकरेक्ट, हाँ 3 × 3 = 9 भी हो सकता है, व्हाई इज इट इनकरेक्ट, व्हाई इज इट इनकरेक्ट बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, हाँ आ रहा है डिविडेंड 11 बोल, हाँ नहीं बराबर नहीं है, गलत है, गलत है, जो आप बोले वो सही है, 3 × 3 = 9 होगा, बचना चाहिए 2। देखो आपका रिमाइंडर कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा हो रहा है तब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, देन यू आर डूइंग अ रॉन्ग डिविजन। सो आइडियल डिविजन इज वॉट, 3 × 11, 3 × 3 = 9, ये 2, सॉरी अपना 9 और ये 2, नाउ इज इट लेस, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है और रिमाइंडर आपको हैज टू बी लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या था, देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो हमारा यहां पे कंडीशन क्या लग जाएगा, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, परफेक्ट डिविजन है, और इस r को किससे लेस होना पड़ेगा, इट हैज टू बी लेस देन डिविडेंड, व्हाट इज दैट, नहीं डिविडेंड नहीं, डिवाइजर, डिवाइजर से लेस होना पड़ेगा, मतलब b से लेस होना पड़ेगा, क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। सो फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, वेयर वेयर r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r 0 भी हो सकता है, परफेक्ट डिविजन,
और दिस इज लेस देन, भाई साहब किससे लेस हो जाएगा, बी से लेस हो जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड R इज लेस देन B. R हमेशा डिवाइजर से लेस होगा ही होगा, वरना आप डिवीजन गलत कर रहे हैं. ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एलॉगरिथम. यही होगा यूक्लिड्स डिवीजन एलॉगरिथम. क्या बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन एलॉगरिथम? बिटवीन टू नंबर्स A एंड B हम हमेशा इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड R इज लेस देन B. ठीक है, क्लियर है? बिटवीन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, सो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर फुलफिलिंग द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आर इज लेस देन बी. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, चलिए इसमें आते हैं हम. देखो, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर होगा? अरे भाई साहब क्यों नहीं होगा? जीरो को आप क्या, जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हो कि नहीं बताओ? अभी अगर p बाई क्यू लिख रहे हो, कंडीशन क्या है? q तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, तुमने जीरो नहीं किया यहां पे, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा. जीरो बाई टू जीरो आएगा, जीरो बाई थ्री जीरो आएगा. तुम फुलफिल कर रहे हो ना भाई साहब कंडीशन, तुम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने दे रहे हो, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ. ठीक है, तो यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p बाई क्यू आर इंटीजर्स and q is not equal to 0? Yes, very much. Okay, we can write it in this form. Okay? Yes, 0 is a rational number. 0 can be written in any of the following ways. 0 by 1 likh sakte hum, 0 by minus 2 likh do, 0 by 3 likh do, kuch bhi likh do. Okay? So, all these are what formats? Rational number ke formats hi to hain. P by Q format hi to hai. Are we clear on this one, people? Samajh mein aa raha hai? Okay. Thus, 0 can be written as P by Q where P is equal to 0 and Q is a non-zero integer. ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके. टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई. अगर एन रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ठीक है, देखो समझ लो कोई फ्रैक्शन है 2 बाई 3. ठीक है, इसको क्या करोगे भाई साहब? अगर तुमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तुमको सॉरी न्यूमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को तुमसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा बोलो? 6 बाई 9 को काटम कूटम करके फिर से 2 बाई 3 लिख सकते हो. तो 6 बाई 9 एंड 2 बाई 3 आर इक्वल ओनली. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, तो अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में एन रैशनल नंबर्स फूसने हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय एन प्लस वन एंड एन प्लस वन. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, जैसे फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, क्या करोगे भाई साहब यहां पे? अरे बोलो ना, बोलो क्या करोगे भाई साहब? 6 रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो वी राइट टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 6 प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. तो कितना हो गया बोलो? 7 बाई 7. ठीक है, ओके. तो हमने 3 को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 7 बाई 7 से. देखो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 बाई 7 होगा क्या? 1 ही ना. ठीक है, तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1. 3 इंटू 1 को ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल आर 21 बाई 7. ठीक है, ओके. इसका कितना हो जाएगा? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1, विच कैन बी रिटन एज 4 इंटू 7 बाई 7. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 28 बाई 7. ठीक है, बताओ अभी मेरे को इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स ठूसने हैं, क्या क्या लिखेंगे भाई साहब? 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7, 27 बाई 7, और फाइनली आ गया आपका 28 बाई 7. ठीक है, गिन लो भाई साहब, एकम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थी 5 और ये हो गया भाई साहब 6. क्लियर, 6 रैशनल नंबर्स आ गए. कहीं कहीं पे डिवीजन होगा, देखो नहीं कहीं भी नहीं दिख रहा, तो ये वैसे का वैसे रहेगा. तो दीज आर 6 रैशनल नंबर्स. ये वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन.
लेकिन ये नॉर्मल तरीका होगा करने का। तो अगर आपके दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो नंबर्स आपके प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में हो या चाहे वो नंबर्स आपके फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, अगर आपको n रैशनल नंबर्स ठूसने हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n बाई वन अपॉन n बाई वन से, ठीक है। अब फिर इसमें आप ठूस दो भाई, सभी सारे आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल? आर तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3 by 1, तो 3 by 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 by 7, 21 by 7। 4 by 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 by 1, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 28 by 7। तो 21 के और 28 के बीच में भाई साहब ये 6 नंबर्स आ गए आपके, सबको अपॉन 7 कर दो भाई साहब, 21 by 7, टरंग 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 टरंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 27, 28 by 7। तो आपका 21 और 28 बाई 7 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स आ गए। ये 21 बाई 7 है क्या? 3 तो है। ये 28 बाई 7 है क्या भाई साहब? 4 ही तो है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भाई साहब आपके, हेंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर दीज। क्लियर? एकदम क्लियर ना भाई साहब? ओके, चलिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5। बता किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को? n नहीं है चाचू, यहाँ पे क्या है, n क्या है? n क्या है? फिर से पूछूंगा, n क्या है? तुमको इसके पहले सवाल में क्या बोला गया कि n रैशनल नंबर्स ठूसने दो नंबर्स के बीच में, तो तुम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, n प्लस वन और n प्लस वन में। यहाँ पे कितना बोला गया है, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू इंसर्ट, 5। तो तुम्हारा n का वैल्यू क्या हो गया, 5। क्लियर है? So you will multiply this by n plus 1 and n plus 1, that is 5 plus 1 and 5 plus 1, that is 6 by 6, ठीक है। चलिए 3 by 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 by 5 into 1 लिख सकते हैं, which can be written by 3 by 5 into 6 by 6, कितना आ जाएगा बोलो, 18 by 30 हो गया ये, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, 4 by 5 को हम 4 by 5 into 1 लिख सकते हैं, 4 by 5 into 6 by 6, that will be how much our people are, 24 by 30, so 18 by 30, और ये हो गया आपका कितना, 24 by 30, इनके बीच में क्या हो जाएगा, 19 by 30, 20 by 30, ठीक है, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर्स हो गए ये, ठीक है। ये 18 by 30 basically है क्या, 3 by 5, ठीक है, और ये 24 by 30 है क्या, 4 by 5, ठीक है। 19 by 30 हो गया, तरंग तरंग, तो ये हो गया कितना, 2 by 3, ये कितना हो जाएगा, 3 7s are 21, 3 10s are 30, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 by 10, 2 11s are 2 15s are, तो ये हो गया भाई साहब 11 by 15, यहाँ पे हो गया आपका 23 by 30, तो ये आपके 5 रैशनल वा नंबर वा हो गए, ठीक है। 19 by 30, 2 by 3, 7 by 10, 11 by 15 एंड 23 by 30, दीज आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by, ठीक है। यहाँ पे आप काटम कुटम जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाइड बाई 5 plus 1 by 5, तो 3 by 5 है, जिस कैन बी रिटन एज 3 by 5 into 6 by 6, दैट इज 18 by 30, एंड 4 by 5 साइमल्टेनियसली कैन बी रिटन एज इंटू 6, तो ये हो गया 24 by 30, ठीक है। तो 18 से लेकर भाई साहब यहाँ पे क्या है, 24 तक, तो 18 by 30, 19 by 30, 20 by 24 by 30, ठीक है। 18 by 30 और 24 by 30 के बीच में ये आपके क्या आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। ओके, सो 18 by 30 को भाई साहब, देन द 5 रैशनल नंबर्स, अभी देखो यहाँ पे जैसे का तैसा दे दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 by 3 को भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 7s are 21, 3 10s are 30, ऐसा लिख सकते हो, 2 11s are 22, 2 15s are 30, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपके जो रैशनल नंबर्स हैं वो 19 by 30, 2 by 3, 7 by 10, 11 by 15, ठीक है, एंड 23 by 30, ये आपके 5 रैशनल नंबर्स हो गए। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल आई? ओके 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 पीपल आई। State where the following statements are true or false. Give reasons for your answers. What are the answers? Every natural number is a whole number. False. Every natural number is a whole number. False.
नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में जीरो आता है, ठीक है? तो एक आपका जीरो रह गया, तो दिस विल बी अ फॉल्स, ठीक है? तो दिस विल बी फॉल्स. एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. देखो, जीरो, वन, टू, थ्री, ये भाई साहब आपका होल नंबर हो गया. वन, टू, थ्री, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया. तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करेगा? भाई साहब, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर्स तो होने ही वाले हैं, ठीक है? सो एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. सो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विल बी अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है? सो यहां पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. होल नंबर कहां से चालू होता है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव से. इंटीजर तो भाई साहब जीरो के पीछे भी जाता है, ठीक है? चाहिए होगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. नो, माइनस वन इज नॉट अ होल नंबर, माइनस टू इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली, सो यहां पे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन आर नॉट होल नंबर, ठीक है? सो यहां पे क्या हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी फॉल्स, ठीक है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर भाई साहब. ना ही डेसिमल होंगे ना ही फ्रैक्शन होंगे. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसा है आपका होल नंबर. रैशनल नंबर थ्री बाई फाइव भी हो सकता है, टू पॉइंट फाइव भी हो सकता है, माइनस थ्री पॉइंट फाइव भी हो सकता है. तो विल एवरी रैशनल नंबर बी अ होल नंबर? नो, इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है? सो आपका देखो होल नंबर्स आपके यही रहेंगे. दीज नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, ठीक है? ओके, सो विच इज, तो दीज आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है? तो ये आपका फॉल्स होगा. जैसे ये सारे नंबर्स जो हैं आपके वो क्या होंगे? रैशनल नंबर तो होंगे लेकिन होल नंबर नहीं है. एग, इधर इधर बैठ, इधर बैठ. हाँ, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि भाई साहब रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, है ना, रैशनल एंड इरेशनल. तो आपके इरेशनल नंबर भी और रैशनल नंबर भी, ऑल ऑफ देम विल बी बेसिकली रियल नंबर. सो दिस विल बी ट्रू, ठीक है? ट्रू. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. नंबर लाइन मतलब हो गया जीरो, हो गया वन, हो गया टू, हो गया थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. अभी इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है? ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आएगा अंडर रूट वन, ये होगा अंडर रूट फोर, ये होगा अंडर रूट नाइन. बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इरेशनल पॉइंट्स भी आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं. आप इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं. वी विल सी वी हाउ वी प्लॉट इट, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली. So every point on the number line is a real number which is rational or irrational. तो हर एक पॉइंट जो है तो रियल नंबर है. ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है? सही. देखो यहां पे रूट अंडर रूट, सो नंबर है, ये क्या हो गया? सही है भाई साहब. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, अभी अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा माइनस फोर, उसका हम रूट नहीं निकाल सकते भाई साहब, ठीक है? उसका हम रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है? सो यस, इट इज करेक्ट, ये फॉल्स हो जाएगा. नंबर्स ऑफ द टाइप लाइक माइनस फोर, माइनस फोर, वन बाई टू, माइनस सेवन बाई एट ऑल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन. सो यस, दिस इज करेक्ट. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नहीं, रियल नंबर आपका रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है? इट कैन ईदर बी रैशनल और इट कैन ईदर बी इरेशनल. सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट आर पीपल आर फॉल्स आर. रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, ठीक है? Are the square roots of all positive integers irrational? Positive integers, क्या सारे जितने भी positive integers हैं उन सब के square roots irrational होंगे? नहीं. जैसे 1 का आपको proper rational मिलेगा, 4 का square root proper मिलेगा, 9 का square root, ठीक है, 25 का square root, 16 का square root, ये सब perfect numbers होंगे, ठीक है? If not given example of the square root of a number that is a rational number, many numbers. All square numbers का square root आपको क्या मिलेगा? Rational number मिलेगा, ठीक है? That will be a rational number. So for example, we have squares of all positive integers are not irrational. जैसे 4, 9, 16, 25 etc. are positive integers, but their square roots are rational numbers. तो जैसे आप देख लो यहाँ पे under root 4, under root 9, under root 16, under root 25, ये सारे हो गए, ठीक है? Okay, okay, okay.
राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. ठीक है, जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे 36 है, 36 अपॉन 100 कितना हो जाएगा बोलो, 0.36. राइट इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. अरे 0.36 तो आया, तो यस दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग. बस बस टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग की जरूरत ही नहीं है, बस खत्म टर्मिनेटिंग. तो क्या हो जाएगा ये रैशनल नंबर. ठीक है, इट विल बी अ रैशनल नंबर. 36 बाय 100 दिस विल बी 0.6 टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके चलिए भाई साहब यहां पे करते हैं हम 1/11, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. ठीक है कर लो भाई साहब, 11 से तो जाएगा नहीं 1. ठीक है तो 11 ये हो गया 0, यहां पे 0 पॉइंट. ठीक है 11 9 जा 99, फिर भाई साहब 1 0, फिर ऐसा आता रहेगा भाई साहब. ठीक है तो ये आपका आता ही रहेगा 1/11. सो दिस विल बी हाउ मच, कर लो भाई साहब इसको. ठीक है सो दिस विल बी 1 0 0 9 99, फिर से 0, फिर से 0, फिर 9. ठीक है फिर वही. तो आपका बताओ ये क्या हो जाएगा, किस टाइप का डेसिमल हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेकरिंग. ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रेकरिंग. तो ये क्या रैशनल नंबर होगा, होगा ना भाई साहब, रेकरिंग तो हो रहा है ना, रिपीटिंग हो रहा है, इसके वजह से वो रैशनल नंबर हो रहा है. और वैसे भी देखो 1/11 पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं, पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, तो दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इट फॉर अ रैशनल नंबर. ठीक है सो विच इज बेसिकली व्हाट, 0.09 अ रेकरिंग डेसिमल. ठीक है ओके 4/1/8 ये क्या हो जाएगा, 4 8 32, और ये हो गया कितना 33/8. ठीक है 30 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो देखो 4 8 जा कितना हो गया 32, ये बचा 1. ठीक है 8 क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है 33 और ये है भाई साहब आपका 8 8 4 जा 32, तो ये हो गया भाई साहब आपका 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, टर्मिनेटिंग हो गया भाई साहब ये. Is this a terminating decimal? ठीक है रैशनल नंबर हो जाएगा ये. ठीक है सो दिस विल बी मिक्स फ्रैक्शन 32/8 33/8 दैट इज 4.125, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये. ठीक है 1.3 राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज. 2/11 क्या हो जाएगा बोलो, टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि भाई साहब 2/11 से नहीं जाएगा, लेकिन रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा. देखो यहाँ पे 2 है और ये हो गया आपका 11, 0 पॉइंट, आप देख कर ही बता सकते हैं उसको 11. देखो ऐसे, देखो ऐसे अगर आप तुम डिवीजन नहीं भी कर रहे हो ना तो भी इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है 2/11 क्या ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, तो रैशनल नंबर तो होना ही है इसको. ठीक है और रैशनल नंबर की क्वालिफिकेशन क्या है भाई साहब, ये होगा टर्मिनेटिंग और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. 2 भाई साहब 11 से नहीं जाने वाला, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होने वाला, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो जाएगा. तो किस टाइप का डेसिमल हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ऐसे चलोगे तो. ठीक है वरना तुम भाई साहब डिवीजन करके एक्चुअली देख सकते हो उसको. ठीक है 2/11 कर लो भाई साहब डिवीजन, लंबा चलेगा ये. ठीक है सो यहाँ पे हो गया भाई साहब 0 1 11 9 18, यहाँ पे आ गया भाई साहब फिर 9. देखो आपको रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है 0.18 18 18. ठीक है रिपीटिंग पैटर्न आ गया. सो दिस विल बी 0.18 बार रेकरिंग डेसिमल हो गया. ठीक है रेकरिंग डेसिमल, यू नो दैट 1/7. ठीक है 1/7 इसका इतना हो जाएगा, देखो 1/1.48257. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बताइए फटाफट. एकदम आसान सवाल है यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. देखो 1/7 क्या दिया हुआ है, 1/7 इज 0.142857, है ना भाई. अभी 2/7 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 1/7, दैट विल बी 2 × 0.142857, इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब. ठीक है सो 3/7 मतलब 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो दिस विल बी 2 × 1/7, सो दैट इज 2 × 0.4 4287, आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब टट्टा. ठीक है 3 × 1/7 ये आ जाएगा ये. ठीक है एंड सो ऑन एंड फोर, तो आपका 4 × 1/7 दिस विल बी × 4. ठीक है 5 × 1/7 यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 5 × 0.4827, सो दिस विल बी
सिक्स इंटू वन बाई सेवन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी बाई क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली आपको किस में एक्सप्रेस करना है इसको, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली एक्सप्रेस इट इन द फॉर्मेट ऑफ रैशनल नंबर। 0.6 क्या हो जाएगा बोलो, 0.6 बोलो 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 बोलो, ये क्या हो रहा है भाई साहब? नहीं, 0.6 क्या हो जाएगा, 0.6 बार है ना, ये 0.6 बार है, सिक्स जाता ही रहेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब पी बाई क्यू में आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करोगे भाई साहब? देखो देखो इसको ऐसे करो, 0.6 बार मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो ना बोलो, 0.66666, ठीक है, कोई आदि अंत नहीं है इसका भाई साहब, क्लियर है? अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 6 उठ के यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैं यहां पे लेट से मैं यहां पे मानता हूं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, विच मींस दैट x इज इक्वल टू कितना, 0.6666, टन 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 टन, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो ना बोलो, कितना हो जाएगा, 6.666666, माइनस कर दो माइनस, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x, इससे इसको माइनस करो ये पूरा हो जाएगा, 6 माइनस 0 कितना आ गया 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 6/9, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2/3, 3 2 6, 3 3 9, कर लो चाहे तो, देखो 3 और ये 2 है, ठीक है, 0.36 18, 2 3 6 18, 2 3 6 18, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, सेम है, क्लियर क्लियर है कि नहीं भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 हो गया ये, 0.6 बार, तो आपका भाई साहब यहां पे x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है, तो आप भाई साहब कर लो इसको, ओनली वन डिजिट दैट इज 6, हेंस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो आपने भाई साहब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 10x इज इक्वल टू 6.66, ठीक है। सो आपका भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग 10x से 9x माइनस कर दो कितना आ गया भाई साहब, 9x, और इधर कितना आ जाएगा 6.6, तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई साहब, और अब बोलो ना भाई साहब, 6 आ गया, ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 6 6/9, तो हम यहां पे 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, तो इधर भी बदमाशी चालू कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, 2/3 हो जाएगा ये, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 0.47 है, बोलो भाई साहब कैसे करेंगे इसको, जिला पॉइंट फौला छबना, ठीक है, तो x को मान लेते हैं हम क्या है, 0.47 बार, मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 0.47777, ठीक है, ओके क्लियर, ओके क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे बताओ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.7777, नहीं होगा इससे भाई, तुमको इसको ना उठा के इसके पीछे डालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 100x कर दो, देखो क्या आ जाएगा, 100x करोगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 100x करो भाई साहब, 100x करोगे कितना आ जाएगा, 47.77777, है ना भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हो गई भाई साहब 4777 है, ठीक है, क्लियर, माइनस कर लो भाई साहब कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू, नहीं यार यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक काम करो यहाँ पे करो भाई साहब 10x करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे करेंगे अगर हम 10x करेंगे तो कितना आएगा, 4.7777 ऐसा आता जाएगा, है ना, ठीक है, और अभी अगर आप 100x करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 47. नहीं सिर्फ यार, हाँ 100x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.7777, ठीक है ना, 47.77, इससे इसको माइनस कर दो, 100 उल्टा लिख रहे हैं हम, 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90x, 7 से 4 गया 3 और ये आ गया 43, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 43/90, x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, वी गेट
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, ठीक है, तो दोनों साइड को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई साहब 4.777। 100x से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में कितना आ गया 47.777, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कितना आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस दिस 90x इज इक्वल टू 43, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 43/90, 0.47 बार नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे बार था ना, सिर्फ 7 के ऊपर बार था, ठीक है, सो दैट विल बी 43/90, ठीक है, 0.001। चलिए भाई साहब एकदम मक्खन सवाल फटाफट, x की वैल्यू क्या 0.01001001001, ये x की वैल्यू है कि नहीं, ओके 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टरंग टरंग टरंग, ठीक है, यहां तक आ जाएगा 1.001001001, ठीक है, माइनस कर दो इससे कितना आ जाएगा 1000x माइनस है तो 999x इज इक्वल टू टुरुंग टुरुंग 1, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया बोलो 1/999, ठीक है, क्लियर है, 1/999 दैट विल बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ दिस, x की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 कितना आ गया बोलो भाई साहब, अरे भाई साहब बोलो ना, बोलो टक 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 0 और ये आ गया 1, तो 999x इज इक्वल टू दिस, तो दिस 0.001 विल बी 1/999, ठीक है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, लेट्स सी इफ यू आर सरप्राइज, ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू हाउ मच 0.999, ऐसा जा रहा है भाई साहब, तो आपका 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो ना बोलो, ओके तो आपने ये कर दिया माइनस, तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर 1, है कि नहीं, है कि नहीं, तो क्या यही होगा 10x माइनस x हो गई 9, 9.10 हो गया 1, भाई यही तो है 0.99 को, इसीलिए तो हम क्या लिखते हैं भाई साहब 1, है ना, इसीलिए तो हम 1 लिखते हैं, तो अभी हम करें मल्टीप्लाइंग 10x, ठीक है, 10x है भाई साहब 9x, दिस इज इक्वल टू दिस, तो 9x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अरे बोलो ना भाई साहब कितनी हो गई 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 approximately, yes, at a glance we are surprised at our answer when we observe that 0.999 goes forever and 1 and hence they are equal, but the answer makes sense, so there is no gap in between, the answer barabar hi, theek hai, okay, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर, बहुत ही घटिया सवाल है, इसको आपको करना है, 1/17 कीजिए, वॉट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, चलिए कर लेते हैं इसको, देखो 17 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा जी सब ठीक है, ओके, तो अब भाई साहब यहाँ पे 0 टुरंग टुरंग, ठीक है, तो 5 85 150, शाबाश शाबाश, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 5882359411744, रिपीटिंग पैटर्न कहाँ आ रहा है, अच्छा इसके बाद क्या आएगा भाई साहब 153 है ना, फिर से वही चालू हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, अगेन इट विल स्टार्ट विद द सेम, ठीक है, तो आपका 0.58825 7 तक भाई साहब क्या हो जाएगा, 7 तक आपका हो जाएगा 1/17, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस इज हाउ मच अ क्वेश्चन व्हाइल कंप्यूटिंग आर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके बाद फिर से रिपीटिंग पैटर्न चालू हो जाएगा, लुक एट सेवन एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, तो ये एक और है भाई साहब, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, अच्छा जी नींद आ रही है बहुत जोर से,
where p and q are integers which have no common factors except for 1 and q is not equal to 0, having terminating decimal representations. Can you guess the property of q modified? Okay, so the denominator of the given rational number is either 2 or 5, as both of them are the only prime factors. ठीक है, 2 और 5 भी हो सकते हैं क्योंकि 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स है. 1 बाई 8 हो गया, देखो लेट अस डिवाइड इट. तो आप देखो 1 बाई 8 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब लिख सकते हो. 1 बाई 25 करो देखो. ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 1/5. 1/50 कर लो, मतलब 1/5 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो कितना आ जाएगा भाई साहब देखो यहाँ पे 0.02. ठीक है, क्लियर है. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देखो, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, देन ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, मतलब कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, समझ में आ रहा है. रैशनल नंबर के दो फॉर्मेट्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको तभी मिलेगा जब आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 दोनों हो, समझ में आ रहा है ये. ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स, उसमें कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है अदर देन 2 और 5 और बोथ, then only it can be represented as a terminating decimal. For example, यहाँ पे देखो 8 था, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब. देखो आपको terminating decimal मिल गया. यहाँ पे क्या था, 1/5 square था, इसको कर दो भाई साहब कितना मिल गया terminating decimal. यहाँ पे क्या था, 50 था, तो prime factors आपके 2, 5, 5, और कोई prime factor नहीं है. यहाँ पे prime factors आपके 2, 2 और 2, यहाँ पे prime factors आपके 5 और 5. तो जब आपके denominator portion में इधर सबके सब 2 हो एज प्राइम फैक्टर्स, इधर सबके सब 5 हो एज प्राइम फैक्टर्स, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तभी जाकर आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला क्या मिलेगा, रैशनल नंबर. यू विल गेट अ रैशनल नंबर व्हिच विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. राइट, 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करेंगे इसका, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, और नॉन रिकरिंग भी होगा, नॉन रिपीटेटिव. आप फटाफट से भाई साहब, फॉर द नंबर टू हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इट शुड बी इरेशनल नंबर. सारे जितने भी आपके अंडर रूट वाले होंगे सबके सब ऐसे ही होंगे. ठीक है, कोई भी नंबर लिख दो भाई साहब, कुछ भी मनगढ़ंत बना दो. ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, जब उनका आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे भाई साहब, यू विल ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर. ठीक है, और भी अगर आपको मनगढ़ंत बनाना है, ये सब तो साहब आपके इरेशनल नंबर्स होंगे ही होंगे, कुछ भी बनाओ. तो भाई साहब देखो, 101, 2 जीरो डाल दिया फिर 1, 3 जीरो डाल दिया फिर 1, क्या ये रिपीटेटिव पैटर्न है? नहीं. अगर आपका ऐसा होता, देखो 0.1 फिर 01 01 01, तो ये रैशनल नंबर होता, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है. 0.101 001 001, ये रैशनल नंबर नहीं है. 1.23 234 234 5 234 5 6, ये भी रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रिपीटेटिव पैटर्न नहीं है. ठीक है, 404 004 40004, ये भी भाई साहब नहीं है, रिपीटेटिव पैटर्न नहीं है. 10 ज्यादा हो जा रहा है. ठीक है, हर बार 10 ज्यादा हो जा रहा है. ठीक है, तो ये रिपीटेटिव पैटर्न नहीं है भाई साहब. फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. आई दांगे, बोलो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको? बहुत बढ़िया, एन यहां पे क्या है, एन 3 है ना चाचा, यहां पे दिया तो हुआ है 3. ठीक है, तो 3+1 और अपॉन 3+1 से भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो. 5/7 को 4/4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बोलो, 20/28. 9/11 को 4/4 से मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर्स है. ओके, चलो चलो चलो, नो प्रॉब्लम, इरेशनल नंबर्स है ना. ओके, 5/7 है भाई साहब, 5/7 है, कितना आ जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बोलो, 7, 5 को डिवाइड करो भाई साहब, 7
सेवन सेवन जा 49, यहाँ बचा 1, 7, 1 जा 7, ठीक है, 7, 4 जा 28, 7, 2 जा 14, 7, 8 जा 56, 5 जा 35, 7 जा 49, फिर से चालू हो जाएगा देखो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज 0.71428 5 9 by 11, 0. ये हो गया 11 8, तो ये हो गया भाई साहब 88, 11 1 जा 11, राइट, 11 1 जा 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 88, फिर 11 1 जा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली दिस विल बी 9 by 11, दैट विल बी 0.81 बार, ठीक है, क्लियर है। अभी भाई साहब इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर ठूसना है, देखो इसको 714 है ना, इरैशनल नंबर ठूसना है, यहाँ पे 81 है, टर्मिनेटिंग है, कुछ भी ठूस दो भाई साहब, तो आप ले लो यहाँ पे 0.72 ले लो भाई साहब, क्या जाता है 7202002, फिर 0002 हो गया इरैशनल नंबर, ठीक है, 0.81 है, इसको क्या करना है भाई साहब देखो, और तीन रैशनल नंबर ठूसने हैं, 7.30003003003, कर दो भाई साहब, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो, 74 इससे लेस होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, 04004004, चलाते जाओ भाई साहब, बहुत सारे नंबर ठूस सकते हो, ठीक है, तो आप पहले क्या कर रहे हो भाई साहब, 7 से 5 को डिवाइड कर रहे हो, तो कितना मिल गया आपको 7 1, फिर 4, फिर आपका कितना हो गया 2, ठीक है, कौन आवाज कर रहा है, सक्षम, इलेवन भाई साहब कितना हो गया 9, 8 1, ठीक है, सो राइट एनी थ्री डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन 0.74825 एंड 0.81, आप कोई भी रैशनल नंबर इसमें ठूस सकते हैं, ठीक है, 0.727077000 कोई भी नंबर ठूस सकते हैं इसके बीच में, 81 से वो लेस होना चाहिए, 0.81 से वो लेस होना चाहिए, ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल अंडर रूट 23, नचिकेत क्या होगा, इरैशनल या रैशनल, क्यों क्यों नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट आएगा, दिस इज अ नॉन स्क्वायर नंबर, किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट एन इरैशनल नंबर, ठीक है, सो अंडर रूट 23 इज एन इरैशनल नंबर एज 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 225 सक्षम क्या इरैशनल या रैशनल, क्योंकि 225 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 15, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रैशनल नंबर, ठीक है, 03796 क्यों रूट नहीं आएगा, किसने बोला तुमको, किया क्या तुमने, देखो 0.3796 को हम क्या लिख सकते हैं 3796/1234 है ना, अगर हम क्लासिफाई, तो ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, चलो रूट का तो यहां पे कोई मामला ही नहीं है, तुम 0.3796 भाई सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब रैशनल नंबर हो गया ना, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज अ रैशनल नंबर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये बताओ एई मिस्टर पाटिल 478478 ये क्या है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्लस रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये आपका भाई साहब रैशनल नंबर हो जाएगा, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग सो इट्स रैशनल, ये वाला बताइए एई वरद, ये रैशनल क्यों, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉन रिपीटिंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जीरो है, यहाँ पे दो जीरो हो गया, तीन हो गया, यहाँ पे चार हो गया, तो पैटर्न आपका रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग द सेम रिपीटेड पैटर्न, ठीक है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो इट्स अ इरैशनल नंबर, ठीक है, विजुलाइज 3.765 ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया आपने,
ठीक है, दिस इज बेसिकली अ नंबर लाइन, और इसको आपको विजुलाइज करना है कहाँ पे ला सकता है ये। अभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, जीरो हो गया ये, वन टू थ्री फोर, तो कहाँ किसके बीच में होगा, थ्री और फोर के बीच में होगा ये, सो वी विल एक्सपैंड दिस, ठीक है, वी विल एक्सपैंड दिस। सो ये आपका प्रॉपर नंबर लाइन हो गया। नाउ वी हैव टू पुट अ मैग्नीफाइंग ग्लास हियर बिटवीन थ्री एंड फोर, इफ वी एक्सपैंड दिस व्हाट विल हैपन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेक 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, आपने 10 इक्वल पार्ट डाल दिए इसमें, तो आपके 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में भाई साहब आपने क्या कर दिया, यू कैन बी टेन एस 3.0, 3.1, ऐसा करते करते आप कहाँ तक जा रहे हैं भाई साहब, 4 तक। अभी बताओ कहाँ पे होगा, 3.765 आपके किसके किसके बीच में होगा, 3.7 और 3.8। अभी फिर से मैग्नीफाई करेंगे इसको, ठीक है, ओके, सो दैट विल बी अगेन मैग्नीफाइड, मेक 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 3.7 एंड 8, तो 3.7 और 3.8 के बीच में फिर से हम करेंगे 3.7, 3.70, 3.71 एंड सो वन एंड सो फोर करते करते कहाँ तक जाएंगे भाई साहब, 3.80 तक, ठीक है, ओके। अभी 3.765 कहाँ पे लाई करेगा ये, 76 एंड 77 के बीच में, इसके फिर से हम 10 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, तो इसका भी भाई साहब 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 3.76 एंड 3.77, तो आप कर लो भाई साहब इसको 3.76 और 3.77 में, 3.76, ठीक है, ये हो गया आपका 3.77, तो 3.765 ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आप एक नंबर को नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली लोकेट इट, ठीक है। विजुलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 मतलब किसके किसके बीच में रहेगा नंबर लाइन में, 4 और 5 के बीच में रहेगा, 4.26 है, इट विल बी बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। सो पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया भाई साहब, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये आपका पहले ही आप कर लोगे इसको, ठीक है, तो आप कहाँ तक जाओगे भाई साहब, 4 और 5 को आप कितने में डिवाइड कर दोगे, 10 में डिवाइड कर दोगे। नाउ 4.26 लाइज बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, तो मेक 10 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 4.2 एंड 4.3, 4.2 और 4.3, तो ये हो गया आपका 4.26, ठीक है, 4.26 लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.27, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसमें अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ये वो तो गया यार, इसको कहाँ कर रहे हैं फिर से, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अरे बापरे, तो 4.26 ये आपका हो गया 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी 4.26 2 और 3 के बीच में, ठीक है, चलिए भाई साहब 10 डेसिमल प्लेसेस फिर से, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, सो 4.2626, ठीक है, 4.2626, क्लियर है ये, ओके। रिप्रेजेंट 1/2, 3 एंड अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन में भाई साहब इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कैसे करेंगे भाई साहब, तो ये आपका हो गया भाई साहब नंबर लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका स्केल, दिस इज बेसिकली द स्केल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे -1, 0, आपको भाई साहब सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले कम ही ले लो यहाँ पे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कितना -1, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट 1/2, वेयर विल यू गेट 1/2, ऑब्वियसली देखो 0 से लेकर 1 तक, ये 2/2 को 1 लिख सकते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 3/2, 4/2, मतलब ये 2 हो गया, ठीक है, ओके, तो 1/2 इधर लोकेटेड हो गया, ओके, तो ये 1/2 इधर लोकेट हो गया, 2/2 मतलब 1, 4/2 मतलब 2, 6/2 मतलब 3, है ना, ठीक है, ओके ओके ओके, 3 तो हम लोकेट कर ही सकते हैं सिंपल नंबर लाइन में। अभी अंडर रूट 2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 2 इज नॉट सीन ऑन द नंबर लाइन, इसको हमको अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के पहले आपको एक चीज याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप एक कोई ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं, सो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई साहब इसको, सो टू प्लॉट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो इफ वी हैपन टू डू दिस, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी बेसिकली
तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, इन ट्राइंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सो दैट विल बी वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट विल बी वन प्लस वन टू. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू यूनिट्स. इसी स्क्वायर रूट को हमको प्लॉट करना है, ठीक है. तो ये हो गया अंडर रूट टू. अभी देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन हो गया, जीरो से लेकर वन तक हो गया, तो ये वन हुआ, और फिर वन पे रख के आपने यहाँ पे एक वन का लाइन ड्रॉ किया. अभी ये जो ड्रॉ किया आपने, मतलब इन दोनों को जोड़, देखो ये वन हो गया, इतना ही आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए. इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट टू. कंपस को यहाँ पे रखो और ये आर्क ऐसे बनाओ एक, जहां पे भी ये जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो गया अंडर रूट टू, तो मतलब यहाँ पे जहां पे जाएगा वो अंडर रूट टू हो जाएगा, ठीक है. सो कंपस को अगर आप ऐसे बनाएंगे, सो दिस लेंथ विल बी ऑन द नंबर लाइन एज अंडर रूट टू, क्योंकि ये अंडर रूट टू इसका रेडियस, ये अंडर रूट टू इसका रेडियस होगा, ठीक है. रेडियस विल बी इक्वल फॉर द सेम सर्कल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत कमर दर्द हो रहा है, अरे अरे अरे, बैठ बैठ के कमर दर्द हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अंडर रूट टू, और ये हो गया आपका अंडर रूट टू, क्लियर है. दैट इज हाउ यू विल लोकेट अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन. प्लॉट अंडर रूट फाइव, तो आप देखो अंडर रूट फाइव कैसे करोगे, फिर से सोचो यहाँ पे अंडर रूट फाइव मतलब क्या हो जाएगा, तो टू स्क्वायर मतलब हो गया फोर, ठीक है. तो यहाँ पे इसको टू ले लो और यहाँ पे वन ले लो, ठीक है. अंदर क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट फाइव. तो एक टू ले लो और वन ले लो, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे कंपास को ऐसे डिजाइन कर दो भाई साहब, ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव, सिंपल, ठीक है. ओके, लेट अस सी. टू प्लॉट द नंबर लाइन कंसिडर हाइपोटन्यूज अंडर रूट फाइव, ठीक है. हाइट इज इक्वल टू वन, बेस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली टू हो जाएगा. बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर, ठीक है. सो अंडर रूट फाइव का स्क्वायर विल बी बेस का स्क्वायर प्लस दिस, तो बेस का स्क्वायर प्लस वन, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड, तो बेस माइनस वन, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब फोर, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली टू, ठीक है. तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे समझ में आ रहा है, प्लॉट नंबर अंडर टू, तो आप ऐसा ट्राइंगल बनाए, ये नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे भाई साहब टू और यहाँ पे ले लेंगे वन, ये ऐसे प्लॉट कर दिया, ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव, कंपास को ड्रॉ करके ये हो गया आपका अंडर रूट फाइव, ठीक है. अंडर रूट टेन भाई साहब, अंडर रूट टेन कैसे बनाएंगे, बोलो ना बोलो. अरे सिंपल तो है भाई साहब, थ्री का स्क्वायर करो प्लस वन कर दो, है ना, थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है. ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टेन का स्क्वायर, अंडर रूट टेन का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट टेन का स्क्वायर आ जाएगा टेन, थ्री स्क्वायर इज नाइन एंड नाइन प्लस वन इज टेन, ठीक है, क्लियर है. तो आप भाई साहब क्या करो, यहाँ पे एक तीन का ले लो और यहाँ पे वन ड्रॉ कर लो, तो ये तीन यूनिट्स, दिस इज थ्री एंड दिस इज वन, इसको ज्वाइन करोगे अंडर रूट टेन, यहाँ पे कंपास कैसे ड्रॉ कर दो भाई साहब, ठीक है. सो व्हाट यू विल गेट इज अंडर रूट टेन, क्लियर है. टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर द नंबर लाइन कंसिडर हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है, हाइट वन यूनिट ऑब्टेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. रिप्रेजेंट अंडर रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, कैसे करेंगे, अंडर रूट फाइव विल बी इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, समझे कि नहीं, सब चलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमने प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, जीरो वन टू, ठीक है, थ्री, ओके, प्लॉट अंडर रूट फाइव. तो भाई पाइथागोरस थ्योरम देखो, हमने बेस को ले लिया टू और भाई साहब वन ले लेंगे, ठीक है, ओके, सो बेस ले लिया हमने टू एंड 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 यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, टांग 90 डिग्री का एंगल, और ये 90 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे हम भाई साहब, प्रोट्रैक्टर लेंगे, इसके साथ अपना कंपास लेंगे वन का, ये कंपास को इधर डालेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, वी विल बेसिकली ड्रॉइंग एन आर्क भाई साहब, बस चलो आर्क ड्रॉ हो गया, ये कितने का हो गया, ये वन का हो गया, ठीक है, वन का हो गया. नाउ व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू विल डू इज, यू विल जॉइन ओ एंड बी, समझ में आ रहा है, ऐसे देखो बैठे हुए आई पी एल देख रहे हैं भाई साहब, ओहो, ठीक है, जीरो बी, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट फाइव. अभी क्या करेंगे भाई साहब, ये लेंथ को मेजर करेंगे और यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ही हम आर्क ड्रॉ करेंगे ट्यू ट्यू, ठीक है, ये आपका भाई साहब ओ बी और ओ डी बराबर हो जाएगा, है ना, सो दिस विल बी ओ डी विल बी अंडर रूट ऑफ फाइव. आर वी गेटिंग दिस, पीपल आर, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कल स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम.